नमस्कार दोस्तों, री एजुकेशन अकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम लोग जो है करंट अफेयर्स और न्यूज डेस्क के बारे में जो चर्चा करेंगे। पिछले दो दिनों में जो परीक्षा उपयोगी जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं उसको हम लोग कवर करने का जो है प्रयास करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, जैसे कल 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में जो मनाया जाता है, और सबसे पहली बार जो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस था वो 8 सितंबर 1966 ईस्वी को मनाया गया था। 8 सितंबर 1966 ईस्वी को मनाया गया था। तो इस तरीके से 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। और दूसरी जो महत्वपूर्ण जो खबर है वो 6 से लेकर 12 सितंबर के बीच में खाद्य प्रसंस्करण सप्ताह के रूप में जो मनाया जा रहा है, और ये खाद्य प्रसंस्करण सप्ताह खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा मनाया जाता है। तो तीन महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, एक तो खाद्य प्रसंस्करण सप्ताह है, दूसरा यह स्थिति के बीच में मनाया जाता है, और तीसरा ये जो है किसके द्वारा मनाया जाता है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा। क्योंकि खाद्य के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं तो यद्यपि इस पर एक फोकस्ड लेक्चर बनाया जा चुका है, लेकिन दो और महत्वपूर्ण तिथियों को यहाँ पे देखेंगे कि 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, और 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। यानी कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस और विश्व खाद्य दिवस 15 मार्च और 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, तथा 6 से 12 सितंबर के बीच में खाद्य प्रसंस्करण सप्ताह मनाया गया है। तो तीनों अलग अलग चीज़ें हैं लेकिन खाद्य से जुड़ी हुई हैं, इसलिए इन सभी को एक साथ में समेटने का प्रयास कीजिए ताकि तुलनात्मक रूप में और समानता के आधार पर अध्ययन करने के अप्रोच को अगर हम इसमें इंप्लीमेंट करें तो इससे ये जो है तैयार होने में आपको आसान हो। अगली महत्वपूर्ण सूचना है डुगोंग, एक जीव है डुगोंग। डुगोंग संरक्षण रिजर्व की घोषणा भी की गई है, और यह घोषणा तमिलनाडु सरकार के द्वारा की गई है, और इस तरीके से इसकी घोषणा करने वाला यह भारत का पहला राज्य है। किसने किया है, वो तमिलनाडु के द्वारा ये चीज किया गया है कि यानी कि डुगोंग जीव संरक्षण रिजर्व की स्थापना करने की घोषणा करने वाला पहला राज्य तमिलनाडु बन गया। ये भी जीव है और जैव विविधता के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, तो यहाँ से सवाल आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो इसको ध्यान में रखना आवश्यक है। अगली महत्वपूर्ण चीज है पीपी, यानी कि प्लास्टिक पैक्ट। भारत जो है प्लास्टिक पैक्ट की जो है घोषणा करने वाला एशिया का पहला देश है, इंपॉर्टेंट चीज है, और इस तरीके की चूंकि यह भी पर्यावरण से संरक्षण से संबंधित जो है सूचना है और एक पहल है, तो यह भी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। तो आपको यह जानना होगा कि ये भारत ऐसा करने वाला एशिया का पहला देश है, और प्लास्टिक पैक्ट का मतलब होता है समझौता, जैसे इतिहास में जो पूना पैक्ट गांधी जी और अन्य नेताओं के बीच में जो है कुछ सीटों के आरक्षण को लेकर के हुआ था, उसी तरीके से प्लास्टिक पैक्ट है। तो पैक्ट का मतलब समझौता है, प्लास्टिक के बारे में जो है एक जागरूकता फैलाने के लिए, और विभिन्न प्रकार के जो है एनजीओ, विभिन्न प्रकार के प्राइवेट सेक्टर के कोलैबोरेशन के लिए, एक सामंजस्य के लिए, एक सहयोग के लिए यह जो है प्लास्टिक पैक्ट बनाया गया, और ऐसा करने वाला भारत एशिया का पहला देश बन गया है। अब हम आते हैं जो है कुछ अन्य समाचार और खबरों पर। तो इसमें हम देखते हैं कि अवनी लेखरा जो कि यद्यपि ये पैरा ओलंपिक का खेल समाप्त हो चुका है, जो कि टोक्यो में जो अभी हाल में संपन्न हुआ, लेकिन पैरा ओलंपिक के समापन समारोह के ध्वजवाहक जो थी वो अवनी लेखरा रही हैं। तो अवनी लेखरा जो है ये अवनी लेखरा ये ध्वजवाहक थी। ये भी परीक्षा में कई बार सवाल पूछा गया है इस तरीके से, तो इसको ध्यान में रखना। ओलंपिक के बारे में सब याद कर लेते हैं, लेकिन पैरा ओलंपिक से भी सवाल कई बार पूछा गया है, और इस बार चूंकि बहुत ही ज़्यादा संख्या में जो है पदक प्राप्त हुए हैं, और इतिहास में इतना ज़्यादा पदक कभी भी प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए ये बार जो है वो पैरा ओलंपिक कभी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण बनेगा ही बनेगा। तो अवनी लेखरा जो है इस तरीके की रही है, और इसी के क्रम में एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि वहाँ पर पैरा ओलंपिक के दौरान रजत पदक विजेता सुहास एलवाई, और वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश कैडर में आईएएस के पद पर जो है जिस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में नोएडा में कार्यरत हैं, और इस तरीके से ये रजत पदक प्राप्त किए हैं, और रजत पदक प्राप्त करने वाले ये भारत के पहले आईएएस अधिकारी भी हो जाते हैं। यानी कि अगर आईएएस अधिकारी की बात किया जाए तो पैरा ओलंपिक के खेल में पहले जो है ये पदक प्राप्त करता है। तो ये दो महत्वपूर्ण जो न्यूज है वो पैरा ओलंपिक से भी अपने इसमें जो है सम्मिलित किया गया है। एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज है, नमिता गोखले, इनको जो है यामिन हजारिका वुमन ऑफ एक्सीलेंस
सब्सटेंस अवार्ड से सम्मानित प्राप्तकर्ता के रूप में जो चुना गया है, यानी कि यामिन हजारिका वुमन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड से के प्राप्तकर्ता के रूप में इनको चुना गया है। इनका नाम है जो है नमिता गोखले, नमिता गोखले। कौन सा पुरस्कार इनको मिला है? यामिन हजारिका वुमन ऑफ सब्सटेंट अवार्ड के प्राप्तकर्ता के रूप में इनको चुना गया है। किनको? नमिता गोखले को। और एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज है कि अभी हाल में ही जो घोषणा की गई है कि बेहलर कछुआ संरक्षण जैव विविधता के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी महत्वपूर्ण है। तो ये क्या है? बेहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार किसे दिया गया है? शैलेंद्र सिंह को दिया गया। ऐसे भी सवाल पूछे गए हैं, तो इन सवालों को भी आप अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करने का जो है प्रयास कर सकते हैं। एक अभी हाल में न्यूज आई हुई है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की तरफ से INS हंस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड प्रदान किया गया है, जो कि भारत की क्षमता में जो है सैन्य क्षमता में वृद्धि करने से संबंधित है। INS हंस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड प्रदान किया गया है। किसे प्रदान किया गया है? INS हंस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड प्रदान किया गया है। तो इस तरीके से ये भी प्रश्न जो है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो जाता है। और एक अगली महत्वपूर्ण जो है न्यूज, जो कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो सकता है, चूंकि ये पूरी दुनिया को प्रभावित करने वाली कोरोना से संबंधित न्यूज है, जिसमें ये आई है बात कि क्यूबा एक ऐसा देश है दुनिया का जो कि 2 वर्ष के बच्चे को वैक्सीन देने वाला जो है पहला देश बन गया है। यानी कि इतनी कम उम्र के बच्चे को वैक्सीन देने का पहला मामला जो है वो क्यूबा में आया है। तो इस तरीके से वो दुनिया में चीन, अमेरिका और भारत जैसे देशों को भी जो है पीछे छोड़ते हुए इस तरीके के जो है उपलब्धि को हासिल करने वाला दुनिया का पहला देश हो गया है। तो पिछले 2 से 3 जो है दिवसों में जो भी महत्वपूर्ण परीक्षा प्रतियोगी तथ्य थे उसे संकलित करके आप लोगों के लिए प्रेषित किया जा रहा है। और ये चीज़ ये ध्यान में रखना है कि बहुत से ऐसे न्यूज होते हैं जो कि हर दिन घटित हो रहे हैं, लेकिन गली मोहल्ले में जो घटित होने वाले हर एक 4 घटनाएं जो है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण नहीं होती हैं। केवल कुछ ही ऐसी घटनाएं होती जो राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो, आर्थिक हो, पुरस्कार से संबंधित हो, जैव विविधता, पर्यावरण से संबंधित हो, इन्हीं से संबंधित न्यूज भी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये सभी सूचनाएं संकलित करके आपके लिए प्रेषित है। पुनः अगले लेक्चर में इस तरीके से कुछ महत्वपूर्ण न्यूज को लेकर के हम आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।